नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है टेक्निकली योगा गुरुजी चैनल पर। मैं योगाचार्य डॉक्टर मोहित दवर आज आपके लिए एक महत्वपूर्ण आसन लेकर आया हूं जिसका नाम है धनुरासन। तो धनुरासन कैसे करते हैं, इसकी विधि हम लोग जानेंगे, इसके लाभ जानेंगे, समय जानेंगे और सावधानी जानेंगे, क्योंकि ये आसन जो है हठ योग ग्रंथ के अनुसार है। तो इसकी विधि आप ध्यान से देखिएगा, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, पेट के बल लेट जाना है। तो इस तरीके से आप पेट के बल लेट जाइएगा। माथे को जमीन से लगाएंगे, पैरों को बिल्कुल सीधा खींचिए, हाथों को शरीर के बाजू में लगाकर रखिएगा। अपने आसन के ऊपर आप लेट गए इस तरीके से पेट के बल। उसके बाद घुटनों को मोड़ लीजिएगा इस तरीके से। उसके बाद पैर के अंगूठे पकड़ लीजिएगा इस तरीके से। पैरों में थोड़ा सा अंतर कर सकते हैं, पैरों को धीरे धीरे ऊपर उठाइएगा, फिर धीरे धीरे सिर ऊपर ऊपर की ओर देखिएगा। धीरे धीरे वापस आइए, रिलैक्स कीजिएगा मकरासन में। एक से दो बार गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे, उसके बाद बाएं करवट लेते हुए बैठ जाइए। दोस्तों अभी आपने देखा हमने किया धनुरासन, अब इसकी समय अवधि क्या होती है, तो इसको आप स्टार्टिंग में 10 सेकंड रुकिए, 20 सेकंड, 1 मिनट, फिर 2 मिनट तक आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। उसके बाद इसके लाभ क्या क्या होते हैं, तो पहला लाभ इसका यह होता है कि ये मेरुदंड को लचीला बना देता है, कमर के दर्द को दूर करता है, पेट की चर्बी को घटाता है। तो ये इसके लाभ थे। अब इसकी सावधानी जान लीजिएगा। तो सबसे पहले आपको ये सावधानी रखना है, जिन लोगों को स्लिपिंग की प्रॉब्लम है वो लोग इसका अभ्यास ना करें, जिन लोगों को हार्निया की समस्या है वो लोग इसका अभ्यास ना करें, गर्भवती महिलाएं इसका अभ्यास ना करें, क्योंकि इससे आपकी तकलीफ पहुँच सकती है। तो हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा,